तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह का टाइम है एक, तो जी सुबह सुबह का टाइम है। तो जी जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और एक नए वीडियो की स्टार्टिंग हुई है आज भगवान जी के नाम के साथ में। भगवान जी के नाम के साथ में तो हमेशा ही होती है, लेकिन आज हवन हो रहा है हम ये घर में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि मेरी फ्रेंड है ना अर्चना, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैरिज एनिवर्सरी पर उन्होंने घर में हवन रखा था, तो सुबह सुबह हमारे गुरुदेव और शर्मा जी दोनों हवन करवाने के लिए चले गए थे। और मुझे भी बोला गया था कि जल्दी आना है, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई थी और मुझे इस चीज़ के लिए डांट भी पड़ रही थी शर्मा जी से बार बार कि एक दिन तो जल्दी चल दिया कर थोड़ा सा। लेकिन मौसम ऐसा ही हो रखा था जिसकी वजह से भी, ऊपर से बच्चे स्कूल जाने थे तो 7:30 बजे तक तो मेरा घर का काम ही ख़त्म हुआ। उसके बाद में फिर नहा धो करके मैं 8 बजे के समथिंग मतलब मैं पहुँच गई थी। वैसे हमारा ये जो काम था ना, ये बहुत जल्दी जैसे हवन वगैरह होता है ना, इतनी आहुतियाँ लगती हैं तो काफ़ी लंबा काम चल जाता है, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। तो बस मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल साउंड रखती हूँ। ये देखो शर्मा जी इनका रुमाल खराब करते हुए, इनका रुमाल खराब करते हुए। आज कई दिन हम सौभाग्य मिले है ना, कई दिन से ही मिली है। खाओ तो खाओ तो खाली के दो बार घुमाएगा। आने जी मानी है कन्या आई है जाऊं पहले जी मैं ये मान सुरा रे और हम मोद को सजा रे को पग करना ही हो ये पग तेरे सिर पर लगवा दे ले तेरे उद्धार हो जाएगा। हां वाली पग लगवा ले चरण धूली तक धोखा ले तू। हां सुरा दे दी है ना सर। हां लड्डू खाते रहो माता रानी की कृपा नहीं बनी रहे। आज आज फील ये नुकसान भी करेगी थोड़े रहने दे। अरे बाद आज आज कोई बात ना, कोई फर्क कौन पड़े, आज आज रहवा दे रमन दे गठ जोड़ो हुए ना। बस एक दाल छूक रहे हाँ, दाल की सिटी निकल गया। तो ये देखो जी इसने बनाई थी बाटी रात को कितने बजे तक, एक बज गया था। और आज
इसकी लाइट जलूंगी थोड़ा थोड़ा सही हो जाएंगे। आज इसकी मैरिज एनिवर्सरी है। के बना दिए ट्रपोलिया बाटी के साथ में खाने के होते हैं ट्रपोलिया। बाटी की रेसिपी बनाई है थे? वीडियो बनाया है ना। हाँ तो इसके चैनल पे वीडियो आएगा। के नाम चैनल को देसी से खावटी मंच नहीं यार उस पर आएगा। हाँ ऑफिशियल है अर्चना ऑफिशियल पे। अर्चना ऑफिशियल इसके चैनल का नाम है अर्चना ऑफिशियल। उसमें बाटी की रात को बनाई थी उन्होंने 1:30 बजे तक लगती है। पास चूल्हा वगैरह नहीं होता ना हमारे जैसे तो उनके लिए बढ़िया है। गैस किस में बनाया था? गैस पे बनाई थी। हाँ। गैस पे कैसे बनाई? क्रिस्पी बनाई है। गैस पे कैसे बनी? पानी की पानी उबाल के पहले वाली बाटी में शेयर करूंगी देखना आपको। हाँ पानी वाली बाटी मेरे कई बार कमेंट भी आई है कि बाटी की रेसिपी बताओ कि कौन बनाओ बेचारो मन बनानी ना मन बनानी ना आई घी भी देख कितना लागण में अरे राम डुबो डुबो की रसगुल्ला की चाशनी की तरह तो इतना तो हम पूरा गिर दियो पाई में निकली चाजे आओ तो दियो आप डबो डबो खाने की हमें रहनु ये। हां दिन में समस्या गर्मी बहुत लग रही थी ना मैं भी यार ज्यादा ही आऊं मेरा दिमाग ज्यादा ही गर्मी में रहेगी ना ना कई ये लोग है ना उन गर्मी लग गई भी ज्यादा है। अब और खाओ दे और बुला ले भाई। हां मैं एक फोन लेके आऊं इसको वीडियो शूट करूं ये नया फोन लेके आई मेरी जन्मदिन की गिफ्ट फोन की तरह अर्चना को यो है के यो तो पुरानी है 92 की तो वो बाबू को ने तेरे नया फोन की तो है बाबू ले यो शर्मा जी को है आपको फोन ही बेरने कित से बाबू को ना होगा उनका नहीं है शायद। तो जी अब मैं इसका फोन जो है वो उठा के और इसमें इसका वीडियो शूट करती हूँ। आप लोग इसको बहुत सारे विशेष देके आना। अर्चना ऑफिशियल नाम से चैनल है सर्च करना और मैं शेयर कर दूंगी मेरे उसमें कम्युनिटी में आप लोग वहाँ पे चेक करना और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष देना और इसकी पानी वाली बाटी जरूर चेक करना कैसे बनाती है पानी वाली बाटी। दिख रही है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये देखो कितनी अच्छी बहुत मस्त है देखो खाने खाएंगे तब देखना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अंडे के बेलचालो किसको टेस्ट आओ ये इतना मुठिया बोलते हैं मुठिया रात को मुठिया उतारे फिर इनको तोड़ के ठंडा किया फिर मैंने मिक्सी में पीसा उनको अब इसमें थोड़ा घी और मिला देते हैं। अब घी मिला के और फिर ये घी को कर दियो ना है ना भेज दीजिए हो हाँ 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 घी को दाम वो कर दियो 1 किलो घी आराम से खत्म हो जाए एक बार दाल बाटी बना 1 किलो घी बड़ी महंगी पड़ी तभी तो बार बार बाटी बनी बने मेहनत लागे वाला मेहनत लागे वाला बहुत ज्यादा मेहनत। तो जी ये देखो हवन हुआ था हवन की शुद्धि हो गई एकदम बढ़िया तरीके से मेघ देवता जो है ना वो मेहरबान हो गए कितना अच्छा एकदम बढ़िया वाला मौसम हो गया है ना। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे क्योंकि ये जो गेट वगैरह है ना ये दोनों खुले थे तो जी आज दूध भी नहीं आया हमारा सुबह क्योंकि ना ये आपको पता ही है अभी अभी वहाँ बंद कराने लग रहे थे ना तो दूध आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तो सुबह पहले चले गए थे 6:30 बजे ही। और ये वाली बारिश जो है ना ये सब जगह हो रही है मतलब हमारे इधर ही नहीं हर जगह पे हो रही है ये तो ये इस घर वाले गेट में से जब खुला था ना जब थोड़ा थोड़ा पानी आया अब तो कोई पानी वानी आने का कोई मतलब ही नहीं है कोई बिल्कुल ही नहीं आ रहा। कूलर आके मैंने यहाँ वापस आई हूँ ना उसके बाद में अंदर किया है और काम दाम सारा मैं मेरा ख़त्म करके गई थी दूध आया नहीं मैंने पतीला रखा हुआ था कि दूध आते ही मैं इसमें गर्म रख दूँगी और बच्चों को सुबह उसमें लंच में भी मैंने पकौड़ी बना के डाली है क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था मेरे को लग रहा था कि बारिश आएगी तो बच्चे पकौड़ी खुश होकर खाएँगे बारिश का मौसम रहेगा अरे ठंडी तो हो जाएंगी गर्म तो कैसे मिलेंगी यार लेकिन वो होता ना कि वेदर को एंजॉय कर पाएंगे तो बस मौसम को एंजॉय कीजिए आप भी अच्छी अच्छी पकौड़ियाँ बनाइए और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा राधे राधे आप सभी का जीवन भगवान हमेशा सुखी रखे आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ दुख ना हो बस इसी
कामना के साथ में। जय जय श्री कृष्णा। और आज बागेश्वर धाम सरकार जी का भी जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मदिन पर भी उनके मतलब ऐसे ही वो हमारे सनातन धर्म के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहे, मैं ये भी यहाँ पर और उनको लंबी उम्र दे भगवान यहाँ पर दुआ करती हूँ। अपनी तरफ से भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी भगवान जी से प्रार्थना करना उनकी हेल्दी वेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।